तो यहाँ पे मैंने केक की बेसिक आइसिंग जो है वो कर ली है। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है, ये ऑयल ब्रश है, तो इससे जो है हम इसके डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से इसे रख कर हमें गोल घुमाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक ऐसी लाइन आ जाती है। इसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी ये लाइंस बना देते हैं। इससे जो है केक काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो ये हमने नीचे और ऊपर की तरफ लाइंस बना ली है। अब हम इसके ऊपर जो है फाइनल डिज़ाइन कर लेते हैं। हम केक पर जो है रोजिट्स बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रीम में पिंक कलर ऐड कर दिया है। इसे हमें मिक्स करके ले लेना है। अब इस पूरे केक पर जो है हमें रोजिट्स बना लेने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का जो है स्टार नोज़ल ले लिया है और इसे जो है हमें इस तरह से रोजिट्स बना लेने हैं और इस केक को जो है पूरी तरह से हमें इस रोजिट से कवर कर लेना है। छोटे छोटे साइज़ में हमें इसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने ये लीफ नोज़ल ले लिया है। इससे जो है हम इसके लीव्स निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरी केक में जो है ये छोटे छोटे रोजिट्स निकाल लिए हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाइट पर्ल्स ले रही हूँ छोटे साइज़ में। तो इसे हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल्स कर देते हैं। उसी तरह से हमें साइड के एजेस में भी इसे लगा देना है। और उसी के साथ जो है मेरे पास ये बड़े साइज़ के भी पर्ल्स हैं जो हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। तो देखा आपने इस केक को बनाना कितना आसान है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये केक लग रहा है। जो नए नए केक बनाना सीख रहे हैं उनके लिए ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ये केक जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस केक के डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैंने केक को आइसिंग कर ली है। अब हम इसके एजेस में जो है ये डिज़ाइन वाला स्क्रैपर घुमा लेते हैं जिससे जो है ये लाइन वाली डिज़ाइन बन जाएगी। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ऊपर हमें हार्ट शेप बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं हमें इस तरह से बारबेक्यू स्क्यूअर ले लेना है या फिर आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे जो है हमें ये हार्ट बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे हाफ हार्ट जो है वो बना लिया है। अब इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्रीम में जो है रेड कलर ऐड कर दिया है। अराउंड मैंने 7 से 8 ड्रॉप जो है क्रीम में ऐड कर दिए थे। उसी के साथ मैंने 3 से 4 ड्रॉप जो है पाइपिंग बैग में इस तरह से ऐड कर दिए हैं। उसे जो है हमारा ये जो डिज़ाइन है काफ़ी डार्क कलर में आ जाएगा। अब हम इस क्रीम को जो है पाइपिंग बैग में भर देते हैं। तो देखिए आप ये जो कलर है बहुत ही डार्क लग रहा है। अब हम केक के ऊपर जो है डिज़ाइन बना लेते हैं। हमने ये जो हार्ट शेप निकाला था इसकी जो लाइन बना ली थी इसके ऊपर जो है हमें रोजेट्स बना लेने हैं। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे हमें रोजेट्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पे स्टार नोज़ल ही लिया है ये डिज़ाइन बनाने के लिए। हमें स्टार नोज़ल छोटी साइज़ में ले लेना है और इससे जो है हमने ये जो हार्ट शेप बना लिया था ये पूरा कवर कर लेना है। तो मैंने नीचे की तरफ भी ये बना लिया है। इसके बाद जो है हम साइड से भी इसे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस हार्ट के हमें बाहर की तरफ इस तरह से ये स्टार्स बना लेने हैं। मैंने सेम ही नोज़ल्स इस्तेमाल किया है। इसे जो है हम बाहर की तरफ और उसी की तरह हम अंदर की तरफ भी छोटे छोटे स्टार्स बनाएंगे और ये हार्ट शेप जो है वो बना लेते हैं। सेम नोज़ल का इस्तेमाल करके ही हमें केक के नीचे की तरफ जो है एजेस में डिज़ाइन बना लेनी है। अब मेरे पास जो है ये सिल्वर पर्ल्स है ये हम इसके ऊपर जो है ऐड कर देते हैं। इससे हमारा केक जो है और भी खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए
ये मैंने पर्ल्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये केक जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एनिवर्सरी केक है। तो इस तरह से जो है आप एक ही नोजल का इस्तेमाल करके बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत ही खूबसूरत केक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 kg का जो है ये चॉकलेट केक बना लिया है। ये डॉल केक है। इसके लिए मैंने क्रीम में जो है 7 से 8 ड्रॉप्स जो है ब्लू कलर के ऐड कर दिए हैं। अब हम इसी से इसकी आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने केक को जो है आइसिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितने शार्प एजेस इसके बन चुके हैं। अब इसके ऊपर जो है हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने N1 नोज़ल ले लिया है और पाइपिंग बैग में मैंने वाइट कलर ऐड कर दिया है और हल्का सा जो है ब्लू कलर का शेड दे दिया है। अब हम इससे जो है रोजेट्स बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो वाइट और ब्लू शेड्स में रोजेट्स बने हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमें इस पाइपिंग बैग को सिर्फ इस तरह से गोल घुमाना है और एक हाफ सर्कल बना लेना है और इसी हाफ सर्कल को हम नीचे तक लेकर आएंगे और एक लाइन बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम बाहर के तरफ भी कुछ और रोजेट्स निकाल लेते हैं ताकि ये जो केक है भरा भरा लगे। और इसी तरह से जो है हम अंदर की तरफ भी छोटे छोटे स्टार्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स जो है गोल्डन ड्रिप्स के ले लिए हैं। अब इस गोल्डन कलर से जो है हम केक को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया है और ब्रश की मदद से जो है हम इस एजेस को जो है गोल्डन कलर दे देते हैं। इसी तरह से रोजेट के ऊपर भी मैंने ये गोल्डन कलर हल्का हल्का सा लगा दिया है। बहुत ही हल्के हाथों से इसे लगाएं ताकि ये जो रोजेट्स है वो भी हाईलाइट हो सके। अब हम यहाँ पे इस रोजेट के ऊपर जो है ये एडिबल बटरफ्लाइज जो है वो अरेंज करेंगे। ये आपको किसी भी केक सप्लाई शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। हमें इससे इस पर अरेंज कर देना है ताकि ऐसे लगे कि ये फ्लावर्स के ऊपर बैठे हैं। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए हैं। और लास्ट में जो है हम यहाँ पे केक डस्ट लेंगे और इससे जो है हम इस केक को फिनिशिंग दे देते हैं ताकि हमारा ये जो केक है और भी सुंदर लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो केक है वो बिल्कुल तैयार है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखा आपने, हम बस 1 या 2 नोज़ल का ही इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर ऐसी डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं।